आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनी की नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों ब्रांच एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और बी टेक कर रखें तो एलिजिबल है, और नॉन इंजीनियरिंग में बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, बी सी ए कर रखें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी पीएसयू सेक्टर के अंदर आती है, एक नवरत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक साल की होने वाली है जो नेट्स स्कीम के अंदर आती है। पहले हम डिप्लोमा वालों के लिए बात करते हैं, इसमें वेरियस स्ट्रीम में डिप्लोमा जो कर रखे हैं उनके लिए आई है, जैसे कि एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पॉलीमर, बहुत सारे ब्रांच के लिए वैकेंसी आ रखी है। एक साल की ट्रेनिंग है। इस जो डेट है, जो मेंशन डेट है, इस पे आपको जाके इस टाइम और डेट और वेन्यू दिया हुआ, इस पे आपको देनी होगी इंटरव्यू और उस पे सिलेक्शन होगा आपका। उसके बाद जो नॉन इंजीनियरिंग है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कर रखे हैं, उन लोग को भी वहाँ जाके ही सिलेक्शन मिलने वाली है, ऑनलाइन नहीं रहने वाला, वेन्यू पे जाना होगा, फिर सिलेक्शन होगी आपकी। टाइम और डेट दिया हुआ है। उसके बाद जो बीबीटेक कर रखे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ब्रांच के लिए है, जो एक रेपुटेड कॉलेज से कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, आपको डिग्री या डिप्लोमा पास होनी चाहिए। दूसरा, 2021 के बाद आपका जितना भी डिग्री होगा वो होनी चाहिए, और नेट्स पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे इसको। अगर आप पहले से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसमें, एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी कीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है, पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर अप्लाई करनी होगी, जो कि दिया हुआ है nets.education.gov.in, और यहाँ से एक आपको कॉपी लेनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आएगी। उसके बाद TA DA हमें नहीं मिलने वाला इसमें। कंपनी बोल रही है कि कंप्लीशन के बाद आप HAL के पार्ट नहीं, और कोई ऑफर एम्प्लॉयमेंट की नहीं मिल रही, क्योंकि अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी है। इसमें आप लोग जो डिग्री में बीटेक वगैरह जो की कर रखे हैं या फिर बीकॉम, उनको 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और डिप्लोमा जो कर रखे हैं उनको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 12 मंथ की ट्रेनिंग है, जिसमें 50% आपको HAL देगा और 50% पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा थ्रू DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से। ये आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कमेंस होने वाला है 1/8/15/22 जुलाई 2024 से, और इसमें सिलेक्शन बेस्ड है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। कैंडिडेट्स को अगर रिपोर्ट करना है वेन्यू पर, वहाँ पर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना है, और सारे फोटोकॉपी जितने होंगे सब पर अटेस्टेड कर लेना है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए, ए मार्कशीट हो, 10th का होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा कर रखें उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, ऑल सेमेस्टर जितना सेमेस्टर होगा उसके मार्कशीट लेके जाना है, और अगर आपके कॉलेज में कोई CGP कन्वर्टिंग कोई ग्रेडिंग सिस्टम्स है उसका एक लेके जाना है फोटोकॉपी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और नेट्स पोर्टल के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट लिख जाइए और हो जाएगा। HAL एक नवरत्न कंपनी है जो PSU के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है।